बोकारो के सिटी पार्क स्थित शहीद उद्यान में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की अगुवाई में कारगिल विजय दिवस के मौके पर आज शहीद हुए जवानों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि बोकारो के उप विकास आयुक्त जय किशोर नाथ मौजूद रहे। विजय दिवस के मौके पर बोकारो के रहने वाले कैप्टन बीएन पांडे ने बताया कि कारगिल युद्ध के दौरान वे उधमपुर में टेक्निकल पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित थे। इस दौरान जो भी बोफोर्स की तोपें युद्ध के बाद कैंप पर आती थी उनके बैरलों को दुरुस्त कर फिर से मोर्चों पर भेजने का काम किया करते थे। आर्मी कैप्टन बीएन पांडे जो है, हम उधमपुर कारगिल युद्ध के टाइम थे, वहाँ हम लोग टेक्निकल में थे। जितनी बोफोर्स वगैरह की आती थी, गने वगैरह के जो है बैरल वगैरह चेंज करने में हम लोग सहयोग किए थे। वहीं भारतीय वायुसेना में पदस्थापित शशि भूषण मिश्रा ने बताया कि वे कारगिल युद्ध के दौरान जैसलमेर बॉर्डर पर तैनात थे और टेक्निकल पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे। उस समय मैं MiG-29 SLS सेकंड लाइन सर्विसिंग में जैसलमेर बॉर्डर पर था और 99 के युद्ध में, उस समय कारगिल युद्ध में हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जितने भी हो सके हम लोगों ने जितनी भी सहायता अपने फॉरवर्ड टीम को करनी थी करने की कोशिश की, वहाँ से हम लोग का पूरा योगदान। वहीं बोकारो के उप विकास आयुक्त जय किशोर नाथ ने कहा कि आज वे लोग उन वीर शहीदों को याद कर रहे हैं जिनके बलिदान की वजह से आज वे लोग कारगिल दिवस मना रहे हैं। पार्क के इस प्रांगण में वीर शहीदों के लिए जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे उनको याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए और इसी क्रम में हमारे जो जवान थे उनको हम याद कर रहे हैं कि उनकी क्या कुर्बानी दी थी और जिसके कारण हम लोगों ने विजय हासिल की थी। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देख रहे हैं कि कारगिल युद्ध में कुछ अफसर और सैनिक थे जो यहाँ पर उपलब्ध हैं और यहाँ उपस्थित हैं, उन लोगों का हम लोग नमन करते हैं कि उस लड़ाई में ये लोग शामिल थे और भारत माता को हम लोगों के द्वारा विजय दिलाई गई थी। हम लोग उनके सफल जीवन और उज्जवल भविष्य की कामना। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।